पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में तो इजाजत नहीं है सिनेमा हॉल खोलने की, सरकार ने मना कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्यों को फैसला लेना होगा। फिलहाल रायपुर में क्या स्थिति? अनलॉक 5 शुरू हो गया है, गाइडलाइंस में क्या कुछ संशोधन है अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में, और क्या कुछ नया होगा जो अनलॉक 1 से लेकर 4 तक नहीं हुआ वो अनलॉक 5 में होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति तो दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस संबंध में किसी तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। सिनेमा घर को खोलने को लेकर के भी आदेश जारी नहीं किया गया है, ना ही उसको बंद करने को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसे लेकर के सिनेमा घर के संचालक जो है वो संशय की स्थिति में है। वो इस उम्मीद में बैठे थे कि सिनेमा घर जो है वो 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। आज हम सिनेमा घर रायपुर में के बाहर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये ताला जो है वो 7 महीनों से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 130 से ज्यादा सिनेमा घर है, जिसे लेकर के जो सभी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है, जितने भी यहाँ पर स्टाफ कार्यरत है, उन पर जो है आर्थिक संकट की जो सामना है वो करना पड़ रहा है। उनकी मांगे थी कि जल्द से जल्द सिनेमा घर खोला जाए, क्योंकि सब जो है वो अब खुल चुकी है, सिनेमा घर नहीं खुले हैं। तो सिनेमा घर में सिर्फ सिनेमा घर के भरोसे अपना जीवन यापन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो है आर्थिक संकट आन पड़ी है, क्योंकि 7 महीने से सिनेमा घर बंद है और इनके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये रोजगार ढूंढने भी कहाँ जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने जो है सरकार से मांग भी की थी कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, उस हिसाब से 15 अक्टूबर से सिनेमा घर को खोलने की छूट हमें दी जाए। हम सिर्फ 50% जनता के साथ ही सिनेमा घर को संचालित करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जो की जाती है वो भी करेंगे। ये तमाम मांगों के साथ सिनेमा घर के संचालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी भेजा था, लेकिन उस पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि सिनेमा घर में जो है 3000 से अधिक स्टाफ कार्यरत है, ऐसे में सभी पर जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 7 महीनों से बंद सिनेमा घर आज भी नहीं खोले गए हैं, क्योंकि किसी तरह का आदेश नहीं आया है, ना ही इसे बंद करने का आदेश है, ना ही इसे चालू करने का आदेश है। इस वजह से जो है सिनेमा घर के संचालक है वो काफी ज्यादा जो है उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से कि सिनेमा घर को 15 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में खोलने दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिनेमा घर बंद पड़े हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर सिनेमा घर नजर आ रहे हैं। वहीं संचालकों का ये भी कहना है कि सिनेमा घर में इतनी ज्यादा आर्थिक संकट आन पड़ी है कि कुछ सिनेमा घर जो है वो बंद होने की कगार पर भी आ चुके हैं, क्योंकि पिक्चरें लग नहीं रही है तो उनका रोजगार भी नहीं हो रहा है और ऐसे में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये भी वो कहते हैं कि अब ऐसे में अगर और 1-2 महीने सिनेमा घर का संचालन नहीं किया जाता है तो उनके रोजगार छिन जाएंगे। इस वजह से कुछ सिनेमा घरों को बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आदेश है वो काफी दिनों से सिनेमा घर के संचालक इस आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि केंद्र की तरफ से तो आदेश आ चुका है, लेकिन राज्य के द्वारा किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है, जिस वजह से सिनेमा घर के जो संचालक है वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए वो सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि सिनेमा घर को आर्थिक संकट तो लगातार गहराता जा रहा है सुप्रिया, और पिछले 7 महीने से सिनेमा घर बंद है, तो सिनेमा घरों में जो काम करते हैं कर्मचारी हो चाहे सिनेमा घर संचालक हो, उनके लिए भी आर्थिक चुनौती का सामना तो इस दरमियान करना ही पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आप जहां पर मौजूद हैं वहां आसपास लोगों से बात करके बताएं और वो उनसे पूछें कि अनलॉक 5 में किस तरह की राहत वो महसूस कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास कोई भी लोग, जैसे कि हम बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सब अपने रोजमर्रा के काम के लिए लगे हुए हैं, सब अपने जो ड्यूटी है वहाँ पर जाने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ कोई भी जनता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जनता के तरफ से मैं बताना चाहूँगी कि जनता ये कहती है कि अनलॉक 5 के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है, जो अब छूट मिली है वो ठीक है। वैसे सिनेमा घरों के साथ ही अब जो है काफ़ी जो ऐसे लोग हैं वो भी इस बार राहत तो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जो है राहत की बात है, अनलॉक 5 शुरू हो गया है। अतुल के पास आऊंगा। अतुल, छत्तीसगढ़ में तो सिनेमा घर संचालन करने की अनुमति नहीं मिली है, सिनेमा घर खोलने की अनुमति नहीं मिली है, मध्य प्रदेश में मिल गई है, लेकिन हालात ज्यादा बेहतर यहां भी नहीं है क्योंकि नई फिल्में नहीं आई है, संकट यहां भी है सिनेमा घर संचालकों के लिए।
हाँ देखिए बिल्कुल, सरकार की माने तो सरकार की तरफ से तो जिस तरीके से छूट दी गई है और साथ ही जिस तरीके से कोविड को लेकर जो नियम बनाए गए हैं टॉकीज खोलने को लेकर, वो तमाम चीज़ें सरकार ने अपनी तरफ से रख दी हैं और सिनेमा घर के जो मालिक है गेंद उनके पाले में अब छोड़ दिए कि आखिर किस तरीके से उनको आगे काम करना है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं शुभम, पिछले 7 महीने से अगर हम बात करते हैं तो 7 महीने में लगातार फिल्मों के जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे कोविड की वजह से, नई फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं। सिंगल अगर हम स्क्रीन की बात करें तो सिंगल स्क्रीन के ऊपर जो पुरानी फिल्में लगी हुई हैं वो लगभग 7 महीने पुरानी फिल्में हैं। ऐसे में दर्शक आखिर क्यों सिनेमा घर तक पहुँचेंगे, आखिर क्या कारण है कि वो सिनेमा घर में पहुँचें, तो नई फिल्मों को लेके जो स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं सिनेमा घर के जो ठीक है अब पहला शो तो शुरू हो गया होगा, कितने लोग तकरीबन जा रहे हैं सिनेमा घरों में कुछ जानकारी है? देखिए जिस इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के ज्योति टॉकीज में पूर्ण तरीके से बंद है। साफ तौर पे कहना है कि हम टॉकीज इस समय नहीं खोल सकते क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से घाटा जो सहन किया गया अब अगर सरकार ने कह दिया है, लेकिन बावजूद उसके जो घाटा चल रहा है लगातार सिनेमाघर संचालकों को लेकर, जो आर्थिक संकट है और नई फिल्में रिलीज नहीं हुई है, तो कई सारे मल्टीप्लेक्स तो फिलहाल राजधानी भोपाल में बंद है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सुप्रिया मेरी सहयोगी रायपुर से लगातार जुड़ी हुई है, सुप्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।